न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से तटीय इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उपायुक्त ने NDRF की टीम के साथ तटीय इलाकों का निरीक्षण कर सारी स्थिति का जायजा लिया। लगातार बारिश से खरकाई नदी और सोनरेखा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। देर रात डैम का पानी छोड़े जाने के बाद तटीय इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि अभी स्थिति सामान्य है, पर मानसून की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग और सतर्क भी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने खरकाई नदी के बड़ौदा घाट समेत खरकाई नदी के निचले इलाके बांधबेड़ा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया। उनके साथ NDRF की टीम मौजूद थी। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति सामान्य है, पर किसी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। नदी के किनारे लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी गई, साथ ही निचले इलाकों के आश्रय गृह को स्थायी तौर पर तैयार किया गया है। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, पर विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए हर एक व्यक्ति को सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कल से ही जिला प्रशासन जो है संपर्क में है और लगातार यहाँ जो पानी का लेवल जो बढ़ रही थी उसके ऊपर हम लोग नज़र रखे हुए थे, और आज सुबह से जो है पानी का लेवल कम होती जा रही है और टोटल नियंत्रण में है। और फिर भी जो है हम लोग NDRF की टीम से राज्य सरकार से अनुरोध करके यहाँ मंगवाए हैं, तो वो भी डिप्लॉयड है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जैसे मुखिया जी हो और पुलिस, सब लोग लगातार यहाँ पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जब तक ये मानसून के समय है ये यहाँ जो दो लाइन एरिया में खासकर पानी में पीक में कोई चाहे सर चुकी लोग सोच रहे हैं इसके लिए जो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म ये है हम लोगों का जो स्वास्थ्य विभाग जो है वहाँ ब्लीचिंग का और उनको ट्रेनिंग देते हैं, पानी आके रुक जाता है तो किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है या कोई स्नेक्स वगैरह जो नहीं आ रहा है, इस तरह के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा।